अपनी आंखें बंद करके अपने सभी चाहने वालों को याद कर ले, क्योंकि ये इस दुनिया में तेरा आखिरी पल है। शिखर के माथे पर पिस्तौल लगाए वो गुंडा खड़ा था, मगर शिखर बिना पलक झपकाए उस गुंडे को घूरे जा रहा था, जिसे देखकर वो गुंडा भी बोल पड़ता है, लगता है बहुत अकड़ है तेरे अंदर, तुझे मारने से पहले तेरे इस अकड़ को तो ठिकाने लगाना ही होगा। शिखर और सीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये था कौन और बिना बात के इन पर पिस्तौल ताने क्यों खड़ा था। सीना कई सवाल करने की कोशिश करती है, मगर उस गुंडे ने उसकी हर बात नजरअंदाज करते हुए शिखर से कहा, सिर्फ मौत नहीं, मौत से बदतर कुछ करने वाला हूँ तेरे साथ, तुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनाने वाला हूँ। इतना बोलकर वो गुंडा शिखर के पांव पे अपने बंदूक से निशाना लगाता है, तभी पीछे से सीना बोलती है, इसकी जान बख्शने पर तुम्हें पूरे 10 करोड़ मिलेंगे। गुंडा जैसे ही ये सुनता है अपनी पिस्तौल शिखर से हटाते हुए सीना की ओर करता है। शिखर के ऊपर से जैसे ही पिस्तौल हटती है वो तुरंत मौका देखकर उस गुंडे के हाथ से पिस्तौल छीन कर उसे धक्का देता है। गुंडा धक्का लगने पर अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिसल कर पास पड़े एक पत्थर से जा टकरा कर बेहोश हो जाता है। गुंडे की ये हालत देखकर घबराई हुई सीना कहती है, चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी। शिखर कुछ देर सोचता है और कहता है, हम इसे इस हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा हमें, फिर एक बार ये होश में आ जाए तब इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। शिखर की बात मानते हुए सीना उसकी मदद करती है और वो दोनों उसे मिलकर अपनी कार में बैठाते हैं और अस्पताल की ओर निकल पड़ते हैं। शिखर के मन में बार बार यही चल रहा था कि बिना वजह कोई उस पर क्यों हमला करेगा, जरूर इसके पीछे कोई तो राज है जो उसे पता लगाना होगा। अस्पताल के कमरे के बाहर सीना और शिखर उस गुंडे का होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। शिखर इधर से उधर घूम ही रहा होता है, तभी सीना उस गुंडे के फोन पर आए एक संदेश को दिखाती है, जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। संदेश किसी अनजाने नंबर से आया था और उसमें लिखा था, जो काम बोला था वो हुआ। शिखर अब कम से कम 3-4 महीने तक किसी भी हालत में अस्पताल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शिखर के मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। उसका शक सही था, उसके सामने गुंडे का आना और जो भी हुआ वो बस एक महज इत्तफाक नहीं, बल्कि उसके खिलाफ किसी के द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश है। शिखर इन सब में लगा ही था कि डॉक्टर कमरे से बाहर निकलकर कहता है, मरीज अब ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट के कारण बेहोश हो गया था, अब आप उनसे मिल सकते हैं और बस कुछ बिल्स भर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सीना बिल भरने काउंटर की ओर चली जाती है। शिखर सच जानने के लिए बेसब्र भागते हुए तेजी से कमरे में घुसता है। शिखर को देखकर गुंडा उठकर बैठने की कोशिश करता है, शिखर इशारे से उसे मना करता है और गुंडा आराम से वापस लेट जाता है। मुझे अस्पताल तक लाने के लिए और पुलिस को कॉल न करने के लिए मैं आपका, गुंडा बड़ी ही धीमी आवाज में शिखर से कहता है, पर शिखर उसकी बात को काटते हुए उससे पलट कर सवाल करता है, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरा नाम दिनेश है और ये सब छोटी मोटी चोरियां करके मैं अपना घर चलाता हूँ। अगर ये बात सच है तो ये क्या है? शिखर दिनेश को उसका फोन दिखाते हुए बोलता है। उसके फोन में अभी भी वो संदेश खुला था जिसमें साफ साफ शिखर का नाम लिखा था। अपना झूठ पकड़ा जाने पर दिनेश के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ कहने लगता है। मेरा यकीन, शिखर उसकी बात काट देता है और कहता है, मुझे बस ये जानना है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ, बताओ करोगे मेरी मदद? दिनेश हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर उसने मुझे काम खत्म होने पर जहाँ बुलाया था वहाँ आप साथ चल सकते हो। शिखर उसकी बात मान जाता है और तभी सीना भी कमरे में आ जाती है और उस गुंडे के डिस्चार्ज होने के साथ ही तीनों साथ निकल पड़ते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर कौन था इस षड्यंत्र के पीछे। शिखर और रवि एक बड़े से मॉल के पार्किंग में छुप कर दिनेश को देख रहे हैं। प्लान के हिसाब से दिनेश को जिसने भी वो संदेश भेजा था वो यहीं आने वाला है। दिनेश एक तरफ खड़ा इंतजार कर रहा है। खाली पड़ी पार्किंग शोर से गूंज उठती है जब एक तेजी से आती हुई गाड़ी मुड़ती है और ठीक दिनेश के सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी का दरवाजा खोल के जो निकलता है उसे देखकर शिखर भौचक्का रह जाता है। गाड़ी में से एक बैग लिए अंकुश उतरता है। मन ही मन शिखर सोचता है कि माना अंकुश और उसकी कभी नहीं बनी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। शिखर अपनी सोच में गुम ही था कि सीना उसे कोहनी मार कर उसका ध्यान दिनेश और अंकुश की बातों की ओर खींचती है। उसे इतना मारा है कि आगे के 3-4 महीने क्या, अगले 3-4 साल भी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाएगा, दिनेश अंकुश से कहता है। ये बात सुनकर अंकुश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है।
और वो पैसों से भरा बैग दिनेश की ओर करता हुआ कहता है, मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता कि इस शिखर के बच्चे ने मेरा कितना जीना मुश्किल किया हुआ था। मैंने पहले भी कोशिश की थी उसे उसकी औकात याद दिलाने की, पर उस वक्त न जाने ये कैसे बच निकला था। उस दिन गली में मिलकर मारा था इसे, तभी हड्डी पसलियां भी तोड़ देनी चाहिए थी इसकी। शिखर अंकुश की बातें सुनकर हैरान था। वो सोच रहा था कि उसे किसी भी हाल में बदला तो लेना ही। अंकुश ने जो किया उसके लिए उसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है, वरना इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, न जाने बाकियों के साथ ये क्या करेगा। इसी दौरान अंकुश अपनी गाड़ी की ओर वापस जाने लगता है। दिनेश उसे रोकता हुआ बोलता है, मेरे पास काफी अच्छा माल भी है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। अंकुश उत्सुकता से पलटकर तुरंत हाँ कर देता है। दिनेश अंकुश को कुछ पैकेट पकड़ाते हुए बोलता है, इनके पैसे तुम मुझे बाद में दे सकते हो, और अगर पसंद आए तो मेरे पास और भी हैं। अंकुश खुशी खुशी पैकेट लिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। शिखर को पता है कि उसका अगला कदम क्या है और मन ही मन सोचता है, अंकुश अब तुम तैयार हो जाओ अपने किए का परिणाम भुगतने के लिए। शिखर की चिंता करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगले 3-4 महीने तक वो तुम्हें कॉलेज में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आने वाला। अंकुश बड़ी अकड़ के साथ ये बात अनन्या को बता रहा है, जो उसके साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी। अंकुश आगे कुछ कहने ही वाला था कि अनन्या के चेहरे के उड़े रंग को देखकर वो चुप हो जाता है। अनन्या हैरान हुए किसी को देख रही है। जब अंकुश पलटकर देखता है तो वो भी दंग रह जाता है। उसकी टेबल के ठीक सामने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए शिखर खड़ा था। वो एक कुर्सी खींचकर अनन्या के पास बैठ जाता है, जो अभी भी बुत बनी बैठी है। अनन्या के मन में सवालों की लहर उठ रही थी, कहीं शिखर ने उसकी और अंकुश की बातें तो नहीं सुन ली। तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? मेरी गाड़ी को बीच सड़क पे किसी ने रोक कर मुझे मारने की धमकी दी। वो इंसान गोली चला ही देता, वो तो जरा ठीक वक्त पे मैं बच निकला। शिखर एक भारी आवाज में ये बात अनन्या को बताता है, जो घबराए हुए उसे देख रही है। तुम ठीक तो हो ना? अनन्या चिंता जताते हुए पूछती है। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर कोई बार बार ये चाह रहा है कि मैं ठीक ना रहूं, पर अब आखिरकार मुझे सच का पता लग ही गया है। शिखर अंकुश की ओर देखते हुए बड़े इत्मीनान से ये बात अनन्या से कहता है। अनन्या को मन ही मन आभास हो रहा था कि कहीं शिखर को उसके बारे में पता तो नहीं लग गया। अगर सच में ऐसा हो गया तो अब क्या करेगी वो? नहीं, शिखर को इसके बारे में कैसे पता लगेगा? बस अंकुश उसे कुछ ना बता दे। शिखर की बातें सुनकर अंकुश गुस्से से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तो कहना क्या चाहता है? मैं? वो अनन्या की ओर देखता है, जो डर कर खड़ी हो जाती है और उसे शांत करने लगती है। बिना किसी बात के तुम लड़ना मत शुरू कर दो। अनन्या की बात काटते हुए अंकुश और भड़कते हुए शिखर को बोला, तू ज्यादा मत उड़, तेरी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाता हूँ। अंकुश शिखर की ओर बढ़ता ही है, तभी अचानक कैफेटेरिया में हड़बड़ी मच जाती है। अंकुश देखता है कि पुलिस ने उसके कुछ दोस्तों को पकड़ा हुआ है और दो पुलिस कांस्टेबल उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं। अंकुश और अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं बैठे शिखर के चेहरे पे मुस्कान देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पुलिस अंकुश को गिरफ्तार करने लगती है। आखिर मैंने किया क्या है? डर कर अंकुश पूछता है। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बैग से कई पैकेट गांजा मिला है, और हमें ये भी ठोस खबर मिली है कि तुम इसे कॉलेज में बेचने लाए थे, एक हवलदार अंकुश से कहता है। पुलिस से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अंकुश चिल्लाते हुए उनसे पूछता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे हथकड़ियों में डाले पुलिस कॉलेज से उसे और उसके दोस्तों को ले जाती है। ये सब देख कर अनन्या डर के मारे जमकर वहीं खड़ी हो गई थी। अंकुश को ऐसे ले जाते देख कर शिखर अपने मुंह का कोना सिकोड़ते हुए एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अनन्या को सारी बातें बताता है। अगले पल शिखर दिनेश से मिलने जाता है और वो उसे बताता है, तुम्हारी वजह से ना तो सिर्फ अंकुश जेल में है, बल्कि अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि आखिर पिछली बार जब मुझ पे हमला हुआ था तब मेरे शुभचिंतक की कोई गलती नहीं थी। शिखर खुशी खुशी ये बात दिनेश से कहता है। शिखर दिनेश और रवि साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। शिखर की बात सुनकर दिनेश दंग बैठा है। शिखर ने उसे अभी अभी अपनी अमीरी का राज बयान किया था। तो ये जितना भी पैसा है ये किसने दिया है, इस बात की तुम्हें कोई भी खबर नहीं? कुछ देर शांत बैठने के बाद दिनेश आखिरकार बोलता है। शिखर ना में सर हिलाते हुए कहता है, कई बार कई कोशिशों के बाद भी अब तक सब कुछ असफल रहा। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, जब तक वो ना चाहे मैं उससे नहीं मिल सकता। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पर पार्ट टाइम जासूसी का काम भी करता हूँ। वैसे तो बचपन से ही मुझे पुलिस बनना था, पर परिस्थितियों की वजह से कभी बन नहीं पाया।
दिनेश सबको अपने टैलेंट के बारे में बताता है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम पुलिस बनते बनते चोर बन गए? रवि जिज्ञासा भरी आवाज से पूछता है। पुलिस बनने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, तब मेरी इकलौती बेटी भी बीमार पड़ गई और उसका इलाज करते करते कब हमारे सारे पैसे खत्म हुए और कब छोटी छोटी चोरियां और बाकी सब ऐसे ही काम करने लगा पता ही नहीं चला। दिनेश उदासी भरी आवाज से कहता है, तुमने मेरी इतनी मदद की, बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारी बेटी के इलाज में आगे जितना भी खर्चा होगा मैं उठाने को तैयार हूँ। शिखर नरम आवाज में दिनेश को कहता है। ये बात सुनकर दिनेश की आंखें भर आती है। वो धीमी आवाज में शिखर से पूछता है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अगर बदले में कभी भी मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो जरूर करूंगा। शिखर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है जब वो कहता है, तुम्हारे लायक एक काम तो है, क्या तुम मेरे लिए मेरे शुभचिंतक को ढूंढ सकते हो? शिखर की बात सुनकर दिनेश मुस्कुराते हुए सिर हिला देता है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आज से ही आपके इस काम पर लग जाता हूँ। इतना कहकर तीनों आपस में हंसने लगते हैं। अगला दिन शिखर अपने रूम में सेक्रेटरी बबीता के दिए किताबें पढ़ रहा है और उसकी मदद करने रवि उसके लिए कॉफी बना के लाता है। शिखर को पढ़ते देख कर रवि बोलता है, पढ़ने के पैसे मिल रहे थे तुझे तो मैंने सोचा कि मैं भी पढ़कर बबीता को इम्तिहान दे दूं। मगर जैसे ही किताब पढ़ना शुरू किया पलक झपकते ही नींद आ गई और सीधा अगली सुबह उठा। इतना तो पता लग गया, मुझसे तो ना हो पाएगा ये, तू न जाने कैसे कर लेता है। तभी शिखर का फोन बजता है और फोन की दूसरी ओर से जो बात कही जाती है वो सुनकर शिखर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। फोन की दूसरी ओर दिनेश हाफता हाफता बोलता है, मुझे आखिर आपका शुभचिंतक कौन है ये पता चल ही गया, उससे मिलना है तो तुरंत इस जगह पे आ जाओ, मैं आपको पता भेज रहा हूँ। बुत बना शिखर तुरंत ही अपना काम छोड़कर भागकर उस पते की ओर निकल जाता है। आखिर कौन है ये शुभचिंतक, क्या होगा जब शिखर के सामने आएगा ये? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनेयर डिलीवरी बॉय।